सो हम पहुंच गए हनुमान टेम्पल। कहते हैं हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत में हुआ है। ये पर्वत अंजनिया के नाम से जाना जाता है। पूजा पाठ करने के सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो शूज आप यहाँ पे रख सकते हो। हनुमान जी के टेंपल पे आके अगर आप जय श्री राम नहीं बोले तो ये अधूरा हो जाता है। क्या दिख रहा है आपको? नारियल का पेड़ दिख रहा है आपको नीचे? वहां से आए चल के चल के, देखो पूरा नजारा देखो। एक चीज बहुत कॉमन है, नारियल के पेड़ बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ आए तो नारियल का पानी तो पीना बनता ही है। जाएंगे नीचे, नारियल का पानी पियेंगे, थोड़ा एनर्जाइज होंगे, फिर दोबारा ब्लॉग। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है? एनर्जी डाउन हो गया। एनर्जी डाउन हो गया, कोई नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग आसाम से है, नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट टाइम है आपका? अच्छा, हाँ पहुँच गया क्या? अच्छा, अभी हम लोग आसमान को छूते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए, ये रहा मंदिर और ये रहा नज़ारा। नज़ारे के साथ साथ कुछ पेंटिंग्स भी देख लो। हनुमान जी की पेंटिंग यहाँ पे भी, बालक हनुमान जी के। तो ये वो नज़ारा, कुछ दूर दूर तक, दूर दूर तक गाँव दिखा। ये छोटा सा गाँव हो गया। हाँ दर्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। कुछ कुछ नंदीज वाला फील आ रहा है, मंदागिरी वाला फील जा रहा है। पर ये उससे भी डबल है ना? कौन सा? हाँ ये मंदागिरी से थोड़ा डबल है। जो मंदागिरी का था ना वो आपका 400-500 कुछ स्टेप्स था, ये 500 से कुछ ज़्यादा है। कहा जाता है कि 700 कुछ स्टेप्स है। ऐसा लग रहा है यहाँ से मैं पूरा हम्पी देख रहा हूँ।
सो अभी हनुमान जी के दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें प्रसाद मिला नहीं, ये ख़त्म हो गया, थोड़ा ऊपर रेस्ट करने लग गए थे, तो कोई बात नहीं, दर्शन किए वही बहुत बहुत बड़ी बात है। पकड़ो पकड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, किसी भी अननोन के हाथ पकड़ना नहीं चाहिए, ये सही बात है। तो फिर आ गई, फिर चलो चलो। जय श्री राम। सो यहाँ अंदर शूज रखने के लिए आपको बस 6 रुपये पे करना होगा। दिस इज नमाले माता टेम्पल, 24 आवर्स नीता रहते हैं भजन। 24 आवर्स सो काफ़ी हिस्टोरिकल टेम्पल है। कहते हैं बारिश के सीजन में प्रभु राम और लक्ष्मण यहाँ 4 महीने तक रुके थे और यहाँ 24 घंटे रामायण पाठ पढ़ा जाता है। थक गए? सूरज मामा ने हमारा सारा ग्लूकोज पी लिया। तो हम्पी का सफर यहाँ तक था। इन 2 दिनों की ट्रिप में हम अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर जा रहे हैं। सो बस मिल जाएगी आपको कमलापुर से होसपटे। आप अगर फ़ोटो वगैरह अवॉइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से बस ट्रैवल कर सकते हो। सो ये रहा वो पार्किंग साइट जहाँ पे बस पार्क होता है। आपको आसपास के लैंडमार्क दिखा देता हूँ। वहाँ सामने आपको एक सर्कल दिख जाएगा, एक स्टेचू सा दिख जाएगा, वहाँ से थोड़ा आगे आके फिर यहाँ आना है आपको। हॉस्पिटल के हिसाब से 17 रुपीज़ लगा, जो कि कमलापुरा से लेके होसपटी तक काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल प्राइस है। सो ये वो KSRCT बस स्टैंड आप देख सकते हो। हम्पी जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 12, सो 12 और 11 हम्पी कमलापुरा। हाँ, जगह हम लोग होम स्टे किए हैं वहाँ आपको प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आना है बस स्टैंड और आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। मिनी कैमरा प्राइस हो प्राइस 50 ओके चलते हैं। सो शॉक्ड हैं ये लोग कैमरा के बारे में सुनते हैं, क्योंकि GoPro जो है वो काफ़ी कम लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी कम लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। भैया यकीन नहीं कर रहे हैं कि जो GoPro है वो लगभग 50K का है। मिनी कैमरा तो GoPro तो मिनी कैमरा।
ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಅಕ್ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾ ಇವಳ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬಡ ಮಾರ್ಕೆ ಹೋದಾ ಎಷ್ಟು ಇದಾ ಇದು 50 50,000 यहाँ से अभी खा पी गए हम लोग स्ट्रेट रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो हम लोग अभी रूपी होटल पे आए हैं जो रेलवे के ठीक ऑपोजिट पे पड़ता है। और हमने ऑर्डर किया है साउथ इंडियन मील जो लगभग 100 रुपीज़ का पड़ा पर प्लेट। इसमें काफ़ी सारे आइटम्स आएंगे मैं आपको बता दूँ। सो ये हो गया राइस और ये हो गया दाल ये कुछ करी जैसा है जिसमें नारियल मिक्स है और ये हो गया आपका सांभर और ये जो कैबेज होता है कैबेज का तरकारी हो गया भाजी हो गया ये आपका एक दही जैसा है और आखिर में स्वीट्स सही है। 100 रुपये में अगर इतना कुछ मिल रहा है एकदम वैल्यू फॉर मनी है ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। यहाँ को टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर 6 आइटम मिल रहे हैं साथ में 7 और अचार भी है। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।